एक बेहतर भविष्य है हर माँ बाप, हर माँ बाप, कोई माँ बाप हो, उसका सपना होता है कि उसके बच्चे का भविष्य बेहतर हो। बच्चों को एक से बढ़कर एक सुविधा देना, आसमान की बुलंदियों पर पहुंचते देखना हर माँ बाप का सपना होता है। लेकिन गरीब तबके के लोग अपनी आर्थिक तंगी के चलते अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाते हैं, और ऐसे लोगों को निशाना बनाता है बच्चा बेचने वाला ये ग्रोह। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक ऐसे ही ग्रोह का भंडाफोड़ किया है, चलिए आप दिखाते हैं। बच्चा बेचने वाले ग्रोह से हो जाएं सावधान, परवरिश का झांसा देकर करते हैं बच्चों का सौदा। ये ग्रोह गरीब लोगों को बनाते हैं निशाना, लाखों रुपए में नवजात बच्चों का सौदा, रोटी कपड़ा और अच्छी परवरिश, दोनों महिलाओं ने इन्हीं सपनों को दिखाकर ना जाने आज से पहले कितने बच्चों का सौदा किया और आगे भी करते। लेकिन इससे पहले ही सीएम फ्लाइंग की टीम ने पूरे के पूरे ग्रोह का भंडाफोड़ कर दिया। ये वो ग्रोह जो गरीबों को निशाना बनाते थे, रोटी कपड़ा और अच्छी परवरिश का लालच देते थे, गरीब बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य का सपना दिखाते थे। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम को जैसे ही इस बात की ठनक लगी कि ग्रोह नवजात शिशु को बेचने के लिए बदरपुर बॉर्डर आएगा, सीएम फ्लाइंग की टीम तुरंत एक्टिव मोड में आ गए। फरीदाबाद से एसआई सतवीर सिंह और सीआईडी के एक पुलिस अधिकारी राजेश कुमारी ने संपत्ति बनकर ग्रोह से संपर्क किया। दोनों के बीच बातचीत हुई और 9 दिन की बच्ची का सौदा 4,50,000 रुपए में तय हुआ। मुलाकात के लिए फरीदाबाद जिले के ही एक होटल पर मिलने की बात तय हुई, जहां पर ग्रोह पैसे के बदले 9 दिन की बच्ची को सौंपने वाले थे। होटल में पहुंचने के बाद जैसे ही ग्रोह की दोनों महिलाओं ने टीम को बच्चा सौंपा, सीएम फ्लाइंग की टीम ने आरोपियों को दबोच लिया। 8 सितंबर की रात में सीएम फ्लाइंग फरीदाबाद की टीम को एक गुप्त सूचना मिली कि एक बदरपुर बॉर्डर पे एक नवजात बच्ची को बेचने की तैयारी हो रही है, जिस पर हमारे एक सब इंस्पेक्टर हैं सतबीर सिंह और एएसआई हैं लेडी राजेश, इनको दंपत्ति बना के, और जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं श्री सुनील यादव जी उनके, और स्थानीय पुलिस की एक टीम साथ बना के वहाँ ये इस तरह की फील्डिंग की गई, और जो बच्चा बेचने आए हुए लोग थे उनको सबको जो है ना हिरासत में लिया गया। सीएम फ्लाइंग की टीम ने मौके से 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया, तो वहीं कुछ ही दूरी पर दोनों महिलाओं की निशानदेही पर इनका इंतजार कर रहे एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई। आपको बता दें कि गिरफ्तार हुई एक महिला का नाम मीनू है, जो दिल्ली के उत्तम नगर की रहने वाली है। आरोपी महिला के ससुर एक एनजीओ चलाते हैं। गिरफ्तार हुई दूसरी महिला अनीता है। मीनू और अनीता दोनों रिश्ते में एक दूसरे की भाभी और ननद लगती है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि जिस बच्ची का ये सौदा करने वाले थे वो करनाल जिले के एक गरीब परिवार से लाई गई थी। 9 दिन की नवजात की अच्छी परवरिश का बहाना बनाकर ये उसे वहाँ से लेकर आए थे। प्रारंभिक पूछताछ से ये पता चला है कि 9 दिन की जो बच्ची ये लेके आए हैं वो करनाल में किसी गरीब औरत की है, और उसको ये बहका के कि हम इसकी जो है ना कहीं एडॉप्शन का पेपर बनवा के दे देंगे, तो वो पकड़े गए हैं। बाकी अभी विस्तृत जांच से सारा खुलासा होगा। प्रारंभिक रूप से पूछताछ पे इन्होंने ये स्वीकार जरूर किया है, इनमें से 2 लोगों ने, हमने पहले भी एक बच्चा कुछ दिन पहले दिल्ली में लिया था, वो किसका बच्चा था किसको बेचा ये इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। तो FIR दल सराय थाना सराय ख्वाजा है फरीदाबाद, वहाँ पर रात को ही कर दी गई है, और बच्चे को हॉस्पिटल में सेफ कस्टडी में छोड़ दिया गया है। बच्चा बेचने वाले ग्रोह के 3 सदस्य फिलहाल सीएम फ्लाइंग की टीम की गिरफ्त में हैं। तीनों से पूछताछ के आधार पर उनके बाकी के साथियों का भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी। वहीं गिरफ्तार हुई एक महिला के ससुर के एनजीओ चलाने की बात के सामने आने के बाद कई सवाल या निशान भी खड़े होते हैं। सवाल ये कि क्या आरोपी महिला का ससुर भी इस ग्रोह में शामिल था? सवाल ये कि क्या इस एनजीओ की आड़ में गरीब लोगों को ये अपने झांसे में फंसाते थे? सवाल कई हैं। इन तमाम सवालों को ध्यान में रखते हुए सीएम फ्लाइंग की टीम और पुलिस आगे की जांच करेगी। राजेंद्र धैया, फरीदाबाद, हरियाणा न्यूज। और हमारे संवाददाता राजेंद्र धैया मास्टर जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। राजेंद्र, ये बेहद चौंकाने वाला मामला और किस तरीके से ये ग्रोह
सक्रिय है, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल, और कब से सक्रिय था यह भी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं और बच्चों को चोरी करना, बच्चों की खरीद फरोख्त करना, यह अपने आप में बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला है। जो परिजन हैं वो इससे कितने परेशान होंगे, कितने दहशत में होंगे, इस बात को हम आसानी से समझ सकते हैं। अमित बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से मामला सामने आया तो कहीं ना कहीं ये कई जो मामले हैं उनमें सवाल या निशान जरूर लगता है। जिस तरीके से ननद और भाभी जो रिश्ते में है आपस में, दोनों ही मिलकर जो जरूरतमंद लोग होते थे उनसे उनका अच्छी परवरिश का दावा करके उनसे बच्चों को बहका कर ले आते थे और बाद में उसी बच्चे को लाखों रुपए में बेच देना कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात है। और कहीं ना कहीं जो सीएम फ्लाइंग ने कार्रवाई की है उसके तहत 3 लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। और इनसे एक बात और सामने आई है कि इन्होंने पहले भी एक बच्चा दिल्ली के अंदर ये लोग भेज चुके हैं, वो बात जांच में सामने आ चुकी है। हालांकि पुलिस अभी इनसे और भी जांच में पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनके और कौन कौन साथी इस पूरे ग्रुप में शामिल हैं, तो जल्द ही उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी जांच का विषय है क्योंकि बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जिन पर जांच होनी है, तो लगातार जो मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम है वो इनसे पूछताछ में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, ये भी हम जानना चाहेंगे राजेंद्र, क्या ऐसे भी ऐसा भी कोई मामला सामने आया या इनसे पूछताछ में कुछ ऐसी जानकारी भी मिली है क्या कि कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं जिनके बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मेरी बेटी ज्यादा हो गई है, बहुत सारे ऐसे होते हैं बेटे ज्यादा हो गए हैं तो मजबूरी में भी वो बच्चों को इस तरीके से दे देते हैं, बेच देते हैं, तो क्या कुछ ऐसा मामला भी कुछ है, कुछ कोई जानकारी? देखिए ऐसा हमें तो कोई भी मामला अभी सामने नहीं आया कि किसी माँ बाप ने अपने बच्चे को बेचा हो, केवल लालच देकर के उसकी अच्छी परवरिश ये कराएंगे और उसको अच्छे से रखेंगे, ऐसा लालच देकर बच्चों को वहां से बहाना बनाकर लाते थे और फिर आगे उनको मोटे दामों में जो जरूरतमंद लोग थे उनको बेच देते थे जिनके यहाँ बच्चा नहीं होता था। ऐसे लोगों की तलाश करते थे और ऐसे लोगों को ये निशाना बनाते हैं, जो लोग जरूरतमंद हैं, जो बहुत ज्यादा निर्धन हैं या उनके पास बच्चे ज्यादा हैं, तो ऐसे लोगों को ये निशाना बना रहे थे। जी बिल्कुल राजेंद्र, हम एक और बात आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की है और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा किया है, सीएम फ्लाइंग की टीम और पुलिस दोनों ही कितनी अब सतर्क नजर आ रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए साफ तौर पर अमित कहें तो पहले भी एक मामला ऐसा ही सामने आया था और वो लोग भी एनजीओ चलाते थे और ये लोग भी यहाँ पर एनजीओ चलाने की बात सामने आई है, तो कहीं ना कहीं एनजीओ की आड़ में जो ये अवैध रूप से इस तरीके के धंधे चल रहे हैं उनको रोकने के लिए सीएम फ्लाइंग ने पूरी तरह से बीड़ा उठा लिया और इसको लेकर पूरी तरह से जांच की जा रही है कि आगे इसमें कौन कौन लोग और शामिल हो सकते हैं, तो जल्दी एक बड़ा खुलासा और यहाँ पर हो सकता है। जी अमित बहुत धन्यवाद आपका राजेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया।